फाइनली जो है प्रोजेक्ट के का जो है टाइटल अनाउंसमेंट हो चुका है, जहाँ ग्लिम्स को जो है कॉमिक कॉन में जो है रिलीज किया गया, जहाँ वही कॉमिक कॉन जहाँ पे हम मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे, लेकिन इस बार जो है इंडिया के तरफ से, भारत की तरफ से जो प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट वहाँ होता है, जहाँ मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के फॉर जो है कल्कि होने वाला है, जहाँ ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि कल्कि 2898 मतलब 2898 कल्कि 2898 AD मतलब होता है एनोडोमिनी, मतलब जो जीसस के बर्थ के बाद का जो समय है उसको AD कहा जाता है, उसके पहले के समय को BC या फिर बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। तो ये जो है साथ में लेके चल रहे हैं कल्कि 2898 AD, ये जो है आपका टाइटल होगा। कुछ समय लगेगा इसको याद करने में, लेकिन खाली कल्कि भी रख देते तो भी चलता, लेकिन इसमें जो टाइटल में ही दे दिया गया है कि 2898 मतलब 2898 मतलब आज से जो है 875 साल बाद की कहानी, मतलब फ्यूचर में जाके ये कहानी सेट होती है, जहाँ ये बताया जाएगा कि कल्कि अवतार का कनेक्शन जो है इस मूवी से कैसे होगा। मतलब जैसे कि हम मानते हैं पुराणों में वर्णित है, भविष्य पुराण में और श्रीमद् भगवत पुराण में ये वर्णित है कि जो है कल्कि जो है भगवान विष्णु के जो आखिरी अभी अवतार होने वाला है, जो कलयुग में होने वाला है, और किस तरह से वो जो कलि जो इस युग का जो असुर होगा, महान राक्षस होगा, उसका वध करने वाले हैं, तो उसके बारे में जो है फ्यूचरिस्टिक विजन से कैसे बताया जाएगा। जैसे कि असुर वेब सीरीज में बताया गया था कि कल्कि का जो है प्रमुख हथियार जो होने वाला है वो जो है टेक्नोलॉजी होने वाली है, तो उस चीज़ से थोड़ा इंस्पायरेशन लेके बनाया जा रहा है, लग रहा है प्रोजेक्ट के को हॉलीवुड टाइप का कॉपी करने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत लोगों का यह कहना है प्रभास का लुक देखोगे तो प्रभास की जो एंट्री होती है तब उसके जो फेस का एक्सप्रेशन होता है प्रभास का, पता नहीं डलनेस आखिर आ कहाँ से गई। सलार को लिए सूट भी करता है, लेकिन आपको जो बाहुबली वाला टाइप का फेस चाहिए था, बाहुबली का ये लुक देखो, इतना ज़बरदस्त तेजवंत जो चेहरा देखने को मिलता है, एकदम शौर्यवान राजा महाराजा राजसी जो तेज देखने को मिलता है, वो जो प्रभास के जो साहो से हो, राधे श्याम से हो, या फिर जितने उनकी मूवी आई है या फिर आ रही है, उसमें जो देखने को नहीं मिल रहा है, पता है राजा मौली जी ने उनसे क्या काम निकलवाया था जो कि वो आज नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रभास का जब एंट्री होता है एकदम सीरियस लुक होता है, एकदम फेस सीरियस होता है, डल टाइप का दिख रहा था, लेकिन चलो फिर भी प्रभास के 2-3 शॉट्स आते हैं अच्छा खासा लगता है, जहाँ शिवलिंग को दिखाया जाता है कि शिवलिंग जो है कैसे सुना पड़ा हुआ है, भगवान के जो पूजा करने तक को जो है लोग मना कर रहे हैं, मतलब ये इस तरह से फ्यूचरिस्टिक दिखाया जा रहा है। तो या तो फ्यूचर में जो है दूसरे प्लेनेट से लोग आके हमारे यहाँ कब्जा करने वाले, हमारे धर्म संपदा संस्कृति को नष्ट करेंगे, या तो फिर एथिस्ट मतलब जो नास्तिक का जो बढ़ता जा रहा है दुनिया में, तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो धर्म अर्थात जो नास्तिकों की जो संख्या बढ़ रही है, वो जो है दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, अपना शासन चलाएंगे, जिससे जो है भगवान की जो पूजा करने जो लोग होंगे, जैसे कि सतयुग द्वापर युग में भी होता था कि जो भगवान की पूजा करते थे उसका जो है वध जो है राक्षस लोग करते थे, भगवान की पूजा तक नहीं करते थे, वो लोग चाहते थे कि तुम लोग मेरी पूजा करो। इस प्रकार से किस तरह से फ्यूचरिस्टिक वे में इसको दिखाया जाएगा ये देखना बहुत जरूरी होगा। कुछ 600 करोड़ इसके बजट बताया जा रहा है। आदि पुरुष में हम देख ही चुके हैं, आदि पुरुष को छोड़िए, अभी प्रोजेक्ट के एक जो पोस्टर ऑफिशियली रिलीज किया गया जिसको प्रभास ने भी शेयर किया था, उसको इतना ज़्यादा बुराई हुआ, उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, इतना कार्टूनिस्ट दिख रहा था, उसको उन्होंने फिर से जो है रिप्लेस करके एक नया डिज़ाइन दे दिया जिसको आप देख सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, मतलब मेहनत करोगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा आएगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये लोग जो है केवल ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं आदि पुरुष की तरह और वहीं ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर देते हैं, मतलब पूरा फेक फेक बनता है। भाई नेचुरलिटी जो रियलिटी है उसको दिखाना चाहिए। और यहाँ भी जो है प्रोजेक्ट के क्लिप्स में आप देख लीजिए अमिताभ बच्चन को कुछ ऋषि मुनि टाइप का मम्मी टाइप का लुक दे दिया गया है, देखते हैं कि उसको क्या कैरेक्टर दिखाता है, क्या वो अमर है या फिर वो ऋषि मुनि है। दीपिका पादुकोण का ओवर एक्टिंग देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि 5-10 सेकेंड का भी नहीं, 1-2 सेकेंड का क्लिप में उनका सीन आता है। और प्रभास भैया अपने थोड़ा वही तो है जान है इसकी, कमल हसन को भी दिखाया नहीं गया है, क्योंकि कमल हसन भी इस मूवी के साथ जुड़े हुए ये अनाउंस की जा चुकी है। देखते हैं कि इस फिल्म में जो है और कौन कौन से करेक्टर होते हैं और किस तरह दिखाते हैं, क्योंकि जो है मशीनरीज बहुत सारी दिखाई जा रही है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे पुराणों के साथ कैसे होता है, भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के साथ कैसा होता है, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है या फिर उसी पर बेस्ड है ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा कि फिल्म में जो विजुअली जो है कितना ज़्यादा ये लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हल्का ग्लिम्स बस दिया गया है, एक एक शॉट में सभी चले जाते हैं भगवान के, एक एक बूंद पानी के लोग तरस रहे हैं उसको दिखाया जाता है, भगवान की जो पूजा पाठ को बंद कर दिया गया, शिवलिंग जो कैसे सूना पड़ा हुआ है उसकी रक्षा अमिताभ बच्चन कैरेक्टर कर रहा है, तो कल्कि जो है कैसे एक सेकुलर आदमी होता है या कैसे माफिया होता है, फिर वो किस तरह का जो रोल करता है प्रभास का जो कैरेक्टर, वो जो है आपको जो है फिल्म में देखने को मिलेगा। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस मूवी का जो टाइटल है वो कल्कि होने वाला है, क्योंकि हमने तो पहले इसको प्रेडिक्ट कर लिया था और वही हुआ कल्कि। पहले बोला जाता था कालचक्र होगा, लेकिन आखिरकार कल्कि हुआ, इसका टाइटल ऑफिशियली हो चुका है कल्कि 2898 AD मतलब 2898 AD। तो मतलब ये जो कहानी है 800 साल आगे चली जाती है, तो देखते हैं कि 800 साल का तो पता नहीं, लेकिन ये मूवी क्या दिखाते हैं। क्या आपने इसका ग्लिम्स देखा, आपको कैसा लगा, कौन सा वीडियो बताया। जय श्री राम।